हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्रिज फ्लाईओवर। ठीक है, पहला आता है पाइल, फिर उसके बाद आता है पाइल कैप, फिर पियर, ट्राउजोम, कंक्रीट पैड, बेयरिंग पैड, ग्रेडर, स्लैब, रोड पेवमेंट। ठीक है, रोड पेवमेंट में आपकी तीन चार लेयर होती हैं। उसके बाद में हम बाद में वीडियो डिस्कस करेंगे। विटामिन होता है, डेंस विटामिन होता है, WMM होता है, जो भी आपकी लेयर होती है उसको पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम हमारे कंपोनेंट कौन से यूज़ होते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पहला आता है हमारा पाइल। ठीक है, ये पाइल है, ये सोइल के अंदर डाली जाती है। ठीक है ना, ये हमारी सोइल हो गई। ये डिपेंड करता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, कितना टोटल कितना आपकी गाड़ियों का लोड आ रहा है। ठीक है, जो हमारा लोड है वो एक फ्रिक्शन का लोड है, टोटल ग्रेविटी लोड, टोटल ग्रेविटी। ठीक है, कितने हो रही है, टोटल इज स्ट्रक्चर का लोड कितना आ रहा है पाइल कैप के ऊपर, वो सब हमारा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट निकालता है। ठीक है, पहला हमारा पाइल आ गया, आज हम उसमें कंपोनेंट बता रहे हैं। फिर उसके ऊपर आ गया हमारा पाइल कैप। ठीक है, ये हमारे पाइल कैप हो गया। फिर हो गया ये हमारा पियर, ये जो दिखाई दे रहा है ये पियर है, ये हमारा हो गया। फिर ट्रोमजोम, ट्रोमजोम के ऊपर हमारा ये ट्रोमजोम हो गया। ठीक है, जो आपने देखा होगा हल्का सा ब्रिज फ्लाईओवर में ऐसा लगा रहता है। ठीक है, फिर जो हमारा आता है उसके बाद कंक्रीट पैड, ये हमारा छोटा सा दिखाई देता है ना, इसको कंक्रीट पैड बोलते हैं। और उसके ऊपर आता है हमारा बेयरिंग पैड, फिर उसके ऊपर आता है हमारा ग्रेडर, फिर उसके ऊपर स्लैब, फिर रोड पेवमेंट। ठीक है ना, ये जो हमारा ट्रांजम होता है, ये हाई स्ट्रेंथ, ये आपका एक IS 456 में दिया रहता है। एक लीन कंक्रीट होती है, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है, एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है, एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। ये जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये वाला पियर बना या ट्रांजम बना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से हम बनाते हैं। ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आई होप गाइस कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।